हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो एवरीवन। सो कल हमने ब्रोकरेज के बारे में देखा था, कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स के देखे थे। लेट्स स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड टुडे। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, ये प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्ट स्कीम होता है। ये यूजली कौन रन करते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो अपना दे इन्वेस्ट द मनी गिवन बाय द इन्वेस्टर इन डिफरेंट स्कीम्स। और ये हमारी जो मनी है वो किसी और स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इक्विटी फंड इन शेयर्स, डेट फंड इन डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा, और बैलेंस फंड एज पर द इन्वेस्टर चॉइस, जैसे हमारी चॉइस होती है। एज वी गेट शेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, वी गेट यूनिट्स। हमें यूनिट्स मिलता है वेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट इज कॉल्ड अ नैव। नैव मतलब नेट एसेट वैल्यू। ओके, नेट एसेट वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू टोटल फंड वैल्यू। ये याद रखना, एन ए वी नैव मतलब नेट एसेट वैल्यू। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सपोज वन डज नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट, हमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वन कुड इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल। उसको एस आई पी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, रुपीज 500 पर मंथ कुड बी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट कुड बी डन मंथली और क्वार्टरली। हम हर महीने भी कर सकते हैं या तो थ्री थ्री मंथ का भी कर सकते हैं। दिस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज एस आई पी, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एस आई पी डेवलप्स डिसिप्लिन ऑफ सेविंग। एस आई पी इज अ गुड ऑप्शन विच इज़ अ लॉन्ग टर्म कैन अचीव वन फाइनेंशियल गोल्स। एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें हम लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छी अचीवमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड थ्रू एस आई पी फॉर अ लॉन्ग टर्म इज बेनिफिशियल। अगर हम एस आई पी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड पर, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन। हम मार्केट में अगर भाव ऊपर नीचे भी हुआ तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वन शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर मिनिमम 3 to 5 years। हमें कितना मिनिमम उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? 3 to 5 years बेटर रिटर्न्स के लिए। एंड इट इज़ बेस्ट इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर 10 to 15। अगर हम उसको 10 से 15 साल तक रख दें तो और अच्छा हो जाएगा और हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स, ट्रांसपेरेंसी एंड सफिशिएंसी, सेफ इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, रिडेम्पशंस ऑफ यूनिट कैन बी डन, लिमिटेड रिस्क होता है, एडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन। इन्वेस्टमेंट इन फंड लाइक ELSS और एडमिशन फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन इनकम टैक्स। तो लेट स्टार्ट विथ सॉल्ड एग्जाम्पल नाउ। सो वॉट इज गिवन इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड इज स्कीम इज ₹200 एंड 8 crore यूनिट्स आर इशूड। एक शेयर की कीमत कितनी है म्यूचुअल फंड में? वैल्यू कितनी है? 200 crore, सॉरी, म्यूचुअल फंड स्कीम इज 200 crore एंड 8 crore यूनिट्स आर इशूड। देन फाइंड, ऐसे 8 crore यूनिट इशूड हुए हैं तो आपको बताना है NAV कितना होगा। तो NAV इक्वल ₹200 crore एंड 8 crore यूनिट्स अपॉन 8 crore यूनिट्स। तो 200 को आप 8 से डिवाइड करिए। हाँ, 8 2 16 आएगा, 8 5 40, तो आपको होगा 25 per unit। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। इफ NAV ऑफ 1 unit इज ₹25, एक यूनिट का क्या है NAV 25, देन हाउ मैनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड। कितने यूनिट्स अलॉट होंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000? अगर 10,000 हम इन्वेस्ट करें तो कितना अलॉट होगा? तो नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल सम इन्वेस्टेड अपॉन NAV। ओके, दैट इज 10,000 अपॉन 25। 25 4 100, 0000, तो कितने यूनिट्स होंगे? 400 यूनिट्स। ठीक है, इतना क्लियर। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, प्रैक्टिस सेट पर 4.4। सो वॉट इज गिवन इन प्रैक्टिस सेट 4.5 क्वेश्चन। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200। क्या है शेयर का मार्केट वैल्यू? 200। ब्रोकरेज ने कितना रेट लिया है? 0.3। यू हैव टू फाइंड द परचेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इज ₹200, ब्रोकरेज इज 0.3%,
सो ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज 0.3 अपॉन 100 इनटू 200 जीरो जीरो कट इट विल बी 0.3 इनटू 2 दैट इज रुपीज 0.60 दिस मच इज क्लियर नाउ परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इक्वल मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज इट्स इक्वल टू रुपीज 200 प्लस 0.60 दैट इज रुपीज 200.60 सो आप आंसर में लिखिए द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर्स इक्वल रुपीज 200.60 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 1000 ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1% नाउ व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल ठीक है सो मार्केट वैल्यू कितना है रुपीज 1000 ब्रोकरेज इज 0.1% सो ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज 0.1 अपॉन 100 इनटू 1000 दो जीरो कट 10 से 1 मल्टीप्लाई किया तो रुपीस 0.1 का रुपीस 1 आएगा सो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज दैट इज 1000 माइनस रुपी 1 इट्स इक्वल टू रुपीज 999 सो आंसर में लिखना है द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज रुपीज 999 दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.4 नाउ इन थर्ड क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक करना है गिवन द कॉन्ट्रैक्ट नोट इसमें दिया है ऑफ सेल परचेसेस ऑफ शेयर्स बी मीन्स बाय एस मीन्स सेल ओके बाय एंड सेल नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन में 100 बाय हुआ है मार्केट वैल्यू 45 था यू हैव टू फाइंड टोटल ब्रोकरेज सो टोटल वैल्यू ब्रोकरेज 0.2 है 9% CGST 9% से आपको टोटल शेयर्स की वैल्यू निकालना है ठीक है लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट में आपको क्या दिया है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट हाँ बाय लिखा था कितना है 100 उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है रुपीस 45 देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज 100 इनटू 45 इट्स इक्वल टू रुपीज 4500 दिस मच इज क्लियर तो ये आपको टोटल वैल्यू मिल गया ये आपका फर्स्ट ब्लैंक होगा हम बाद में टेक्स्ट बुक में ब्लैंक भर लेंगे ठीक है सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है ब्रोकरेज ब्रोकरेज कितना है 0.2% हाँ इट्स इक्वल टू टोटल वैल्यू इनटू ब्रोकरेज परसेंट फाइन टोटल वैल्यू इज रुपीज 4500 इनटू 0.2 ठीक है आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या आ जाएगा 45 2 90 पॉइंट है ठीक है तो आपको रुपीज 9 आएगा टोटल वैल्यू रुपीज 9 ठीक है नाउ
थर्ड यहाँ दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है, 4500 इंटू 0.2 अपॉन 100 ये कट हो जाएगा, ये आपको मिल जाता है 45 इंटू 0.2 टू फाइव ज़ा 10 टू टू फोर ज़ा 8 9 होता है, हाँ 0 5 ज़ा 0 0 4 ज़ीरो 0 9 ज़ीरो तो यहाँ पॉइंट आता है, तो 0 9 लिख दीजिए मैं, ठीक है यहाँ पॉइंट आता है, तो 0 9 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो आप सीधा 9 लिखते हैं रुपीज़ 9, ठीक है क्लियर कैसा आया। अब CGST इक्वल 9% ऑन ब्रोकरेज, दैट इज इक्वल टू 9/100 इंटू 9, हाँ 9 9 ज़ा इज 81 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे 0.81 हो जाएगा, ठीक है तो अगर CGST उतना है SGST उतना है तो CGST भी उतना होगा, 4 SGST इक्वल CGST दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 0.81 फाइन। फिफ्थ में आपको परचेज बताना है, परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स दैट इज टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST इट्स इक्वल टू रुपीज़ 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81, ठीक है 4500.00 लिख दीजिए, हाँ आपको यहाँ 9 है ये 0.81 0.81 टू 16, ठीक है ये 1 कैरी होता है 10 6 4 सॉरी यहाँ 1 आएगा 4510.62 इट्स इक्वल टू रुपीज़ 4510.62, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स सेल किया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इट्स इक्वल टू 75, इट्स मार्केट वैल्यू इज़ रुपीज़ 200 फाइन, सो देयरफॉर टोटल वैल्यू इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज 75 इनटू रुपीज़ 200 75 टू ज़ा इज 150 तो 15,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। सेकेंड में क्या बताना है आपको, ब्रोकरेज कितना परसेंट है 0.2%, देयरफॉर ब्रोकरेज इक्वल टोटल वैल्यू इनटू ब्रोकरेज परसेंट इट्स इक्वल टू 15,000 इंटू 0.2 अपॉन 100, ठीक है अब ये कट हो गया, 150 इंटू 0.2 इज रुपीज़ 300 आता है तो 30 हो जाता है पॉइंट डालेंगे तो। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है CGST 9% ऑन ब्रोकरेज दैट इज इक्वल टू 9/100 इंटू ब्रोकरेज 30 00 कट, ठीक है अब 9 3 ज़ा इज 27 अपॉन 10 इट्स इक्वल टू रुपीज़ 2.7 आगे 0 लिख दो, ठीक है। फोर्थ SGST इक्वल टू CGST इक्वल टू रुपीज़ 2.70 फाइन। फिफ्थ नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स इक्वल टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST इट्स इक्वल टू 15,000 माइनस 30 प्लस 2.70 प्लस 2.70 पहले इनको प्लस कर लीजिए, ठीक है 30.00 2.70 2.70 14.53 35.40 होता है तो रुपीज़ 15,000 माइनस 35.40 अब 15,000 से 35.40 माइनस करिए कट 10 कट 10 कट 10 कट 10 ये 0 6 9 माइनस 5 4 9 माइनस 3 6 9 ठीक है 4 1
14964.60, इट्स इक्वल टू रुपीज़ 14964.60। इस तरीके से आपका ये टेबल कंप्लीट होगा। अभी यहाँ आप लोग लिख लीजिए टेक्स्ट बुक में, हाँ ये होता है रुपीज़ 9, रुपीज़ 0.81, रुपीज़ 0.81, यहाँ मिल गया आपको रुपीज़ 4510.62, यहाँ आपको मिला था रुपीज़ 30, रुपीज़ 2.70, रुपीज़ 2.70, या इट वॉज रुपीज़ 14964.60। तो आज के लिए काफ़ी है, फोर्थ और फिफ्थ सम हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।